शंका, गलत विचार, नेगेटिव थॉट, निराशा का विचार, एक क्षण का गलत विचार पूरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग को गड़बड़ कर देता है, पूरा का पूरा आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर देता है, एक तरह से वायरस जैसा आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड फिट। आज है 19 जनवरी ट्यूसडे का दिन है और सुबह के बजे हैं 6:15 और आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। कल भी स्कूल गई थी और नेक्स्ट डे वेडनेसडे को भी हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आज स्कूल नहीं जाऊंगी मैं। तो थोड़ा सा अभी मॉर्निंग में ही कोई ज़्यादा काम नहीं है, हस्बैंड का रूटीन शुरू हो गया है 6:45 से 6:30 का भी, 5:30 से 7:30 चलता है, 7:30 तक चलता है शुरू, वो कभी भी हो जाए जल्दी से। और बाहर जाके देखा, मैं तो अभी उठी ही हूँ, हस्बैंड तो आधे घंटे से लग रखे हैं अपने योगा में, एक्सरसाइज में बाबा रामदेव के साथ। तो बाहर जाके देखा ये सीन है, तो इसका मतलब आज फॉग नहीं है क्लियर। जब एक साइड से जो राइज होने का डायरेक्शन है उससे पता चल जाता है कि दिन में फॉग होगी या नहीं या मॉर्निंग में होगी, तो क्लियर है। तो 6:15 का टाइम है और इतना ब्यूटीफुल मुझे ऐसा सीन लगता है ना सुबह को, जो हल्की सी अंधेरा देखने में, तो उससे मुझे लगता है सारा दिन हमारा अच्छा गुजरता है। जब सुबह हम सूरज के उगने से पहले देख लेते हैं ना आसमान को, तो मुझे ऐसा लगता है। तो लाइटें देखना, अंधेरा देखना हल्का हल्का, मुझे मतलब मेरा फेवरेट है ये। तो फिर अभी जा रही हूँ मैं छत के ऊपर, क्योंकि मैं छत पे ही चक्कर लगा लूँगी थोड़े से, और साथ में ये जो क्लियर सुंदर सी स्काई है इसको देखने को मिल जाएगा। तो हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तू मेरे साथ ही योगा किया कर सुबह को, तो मैंने कोशिश कई बार की है, मतलब बेमन से ही कोशिश कई बार की है मैंने, लेकिन फूड मुझे ना वो ब्लैंकेट जो है वो खींच लेता है, तो फिर मुझे को वो ऊँगने लगती हूँ मैं, मुझे नींद आ जाती दोबारा से। तो बेटर ये होता है कि मैं 10 या 15 मिनट छत के ऊपर ही चक्कर लगा लेती हूँ, इससे सोती भी नहीं हूँ और थोड़ा अपना हो जाता है एक्सरसाइज। और जो हमारी मेथी लगी थी ना, उसमें भैया ने लगाई थी मेथी और काफ़ी अच्छी रही इस बार हमारी मेथी और धनिया, वो हटा दिया है अब, है ना, तो उसकी जगह पे भैया लगा गए हैं। आज सुबह ही ये लगाया था उन्होंने, अभी धूप आ गई है, 10:30 का सीन है ये, तो अभी वो उसकी जगह प्याज लगा के गए हैं। हर साल हम थोड़ा सा प्याज लगा लेते हैं और फिर इसको हम धीरे धीरे पानी देते रहेंगे, बट कोशिश ये रहेगी कि पानी लगता रहे मेरे से, क्योंकि फिर जब एक दिन अचानक भैया आ जाते हैं, वो जो कपिल मुनि है ना हमारे भैया जो हैं, फिर उनसे बहुत डांट पड़ती है। और ये हमारी मूली अच्छी चल रही है, काफ़ी बार हम निकाल चुके हैं और इस बार ये जो मूली निकाली है ना भैया ने, अब मेरा पक्का है ये जाएगी ट्विंकल को। पिछली बार वो व्लॉग में कह रही थी ना कि मूली नहीं दी, तो ये इसके लिए रख ली है। तो फ्रेंड्स 12 बज गए हैं दिन के और अभी है लंच की प्रेपरेशन। आज बन रहा है लंच में वेजिटेबल कोफ्ता, मलाई कोफ्ता नहीं है, पनीर कोफ्ता नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ है वेजिटेबल कोफ्ता। और जब आप बोर हो जाएं सर्दियों के दिनों में, गोभी की सब्ज़ी बनाते बनाते, मटर की सब्ज़ी बनाते, गाजर की सब्ज़ी बनाते बनाते, तो क्विकली थोड़ी सी मटर लेनी है, गोभी लेनी है, गाजर लेनी है, जो मन की आपकी पसंद की सब्ज़ी लो सर्दियों में और दो डालो उसमें आलू, और फटाफट से ग्रेवी के साथ तैयार करो आप वेजिटेबल कोफ्ता। फ्रेंड्स गोभी इसके लिए बनाने के लिए जो हम बना रहे हैं वेजिटेबल कोफ्ता, ये मेरी चॉइस है सब्जियों की, आपकी जो भी चॉइस है इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बॉयल्ड पोटैटो ज़रूर डालेंगे। तो ये एक पीस खराब सा आ गया, इसको उठा देते हैं। तो बॉयल्ड पोटैटो इसमें क्वांटिटी वेरी कर सकती है, आपको ज़्यादा खाने की इच्छा है आप 4 डाल लीजिए, मैं 3 डाल रही हूँ। साथ में थोड़ी सी गोभी के पीस हैं और फ्रेश पीस हैं, मटर के दाने निकाल के रखे हैं, ये फ्रोज़न नहीं है, बॉयल्ड नहीं है अभी, ये फ्रेश ही हैं, ऐसे निकाल के रखे हैं। 2 छोटी छोटी गाजर ली है मैंने और साथ में ये मेथी के जो हैं पत्ते हैं, थोड़े से मेथी के पत्ते लिए हैं मैंने। तो इसलिए अब जो है ये, तो ये चीज़ जो है, ये पोटैटो तो है बॉयल्ड, ठीक है, और ऑलरेडी बॉयल्ड है, हम इनको सिर्फ मैश करेंगे। अब काम है कि हम कच्चे तो डाल नहीं देंगे गोभी मटर और ये गाजर को, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, इनको थोड़ा सा मैं सिर्फ गर्म पानी में सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए डाल रही हूँ, मैं इनको बॉयल नहीं करूँगी गर्म पानी में, क्योंकि पानी पानी नहीं करना, नहीं तो फिर जो फ्राइंग के टाइम दिक्कत आएगी। थोड़ी देर के लिए मैं ये दोनों चीज़ों को और गाजर को पानी में डालूंगी 2 मिनट के लिए गर्म पानी में, क्लीन भी हो जाएंगे और थोड़ी सी सॉफ्टनेस आएगी। और साथ में जो है ये जो है वो बाद में ज़रा सा पानी में डालेंगे, ज़्यादा नहीं, फिर मैं इनको चॉप करूँगी वेजिटेबल्स को। ओके, तो ये है हमारा उबला हुआ पानी और मैंने थोड़ी देर के लिए इसको अपने गाजर गोभी मटर को मैं इसमें डाल दूँगी, ऐसे थोड़ी देर के लिए सिर्फ,
तो फ्रेंड्स ये है वो चॉप्ड पोटैटो, तीन जो मैंने लिए थे उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया, सॉरी मैश्ड पोटैटो, बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, और ये चॉप्ड वेजिटेबल्स अपनी, चॉप्ड वेजिटेबल्स के साथ यहाँ पे जो है वो जो मैंने मेथी थी उसके भी फ्रेश जो पत्ते थे वो काट लिए हैं, और ये जाएगी सब्ज़ी अब इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स सारे सामान को। तो ये मैंने डाल दिए पोटैटो, चॉप्ड वेजिटेबल्स, मेथी दाना अभी, सॉरी फ्रेश मेथी, और अब साथ साथ इधर मैंने रख दी कढ़ाई इसकी फ्राइंग के लिए, ठीक है। अभी मैं आज इसको डीप फ्राइंग करूँगी, लेकिन जल्दी मैं आपको ये बताऊँगी कि यही वाली चीज़ें मैं एयर फ्रायर में विदाउट डीप फ्राइंग भी हम एयर फ्राई में बनाएंगे, तो वो जल्दी ट्राई करेंगे। तो इसमें बाइंडिंग के लिए, क्योंकि हम इसका कोफ्ता बनाएंगे, बाइंडिंग के लिए मैं एक चम्मच डाला अभी ये मैदा, और थोड़ा सा मैं आधा चम्मच और मैदे को डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ हो सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने डाला है अरारोट, ये ऑप्शन है। अब और मैदा डालिए या अरारोट और डालिए, आपकी मर्ज़ी है। और साथ में जैसे कि सिंपल हमारे मसाले हैं, ये जाएगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, हल्दी के बाद डालेंगे हम अपना धनिया पाउडर, ये भी सबका अपना अपना अंदाज होता है। और अब डालेंगे हम इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, बस। और अब हमें इसको मिक्स करना है। इसमें जो है मिसिंग अभी भी है ग्रीन चिल्ली, वो मैं डालती हूँ अभी इसमें। मिक्सचर को अब हम अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लूँगी, ताकि पूरी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ। यहाँ ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना, ब्रेड पीसेस को आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा बाइंडर होता है। और नेक्स्ट टाइम रहा कि इसी चीज़ को कोफ्ते को मैं बनाऊंगी फ्रायर में, आज जल्दी है, आज एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि फिर हस्बैंड का लंच जो है वो लेट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। अब हाथों में हमें थोड़ा थोड़ा तेल लगा लिया मैंने, और फिर हाथों से मैं उसको गोल किया, रोल कर लिया है, और ऐसे छोटा छोटा पेड़ा, ये भी आपके अपने चॉइस हो सकती है कि कितना आप इसको ज़्यादा मटेरियल लेना चाहते हैं, मैं इतना इतना ले रही हूँ। तो ये मैंने चार ऑलरेडी बना के रखे हैं, और ये हमारा जो मिक्स किया मटीरियल है, बस इतना सा इसका मैंने पोर्शन उठाया, और ये हाथों में तेल ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ऐसे करके हम अपने सारे जो कोफ्ते वो पहले रेडी कर लेंगे, बाय द टाइम हमारा हो रहा है गरम तेल इधर, और ये बन गया, और ये रख लिया, ऐसे करते करते हमारे सारे बन जाएंगे। अब बारी है कोफ्ते को हमारी फ्राई करने की। तो तेल हो गया हमारा गरम, मैंने लोहे वाली कढ़ाई में डाल रही हूँ आज डीप फ्राइंग के लिए, तो तेल गरम है और लो फ्लेम अब मैंने करी हुई है, पहले तेल गरम था, और हम इनको अब डाल देंगे। बस अपने आप ये लो फ्लेम में होते जाएंगे, और मतना कच्चा पा एक्सपेरिमेंट तो कर, आलू की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेथे दाने को भी ज़्यादा हीट की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ गोभी, गाजर और जो मटर है उनको हम अच्छे से हीट करेंगे, और फिर अच्छा कलर भी आ जाए इनके ऊपर, गोल्डन सा कलर भी आ जाए। तो ये देखिए हल्का हल्का धीरे धीरे कलर चेंज होगा इनका, अब धीरे धीरे इनका कलर हो रहा है चेंज, और दोनों साइडों से हिला हिला के, कोई जो बेचारा थोड़ा वीक रह गया ना, उसके छोटे छोटे वो भी निकल रहे हैं बीच के, पर कोई बात नहीं, बाकी तो ठीक है, एक आधे के छोटे छोटे पीसेस निकल रहे हैं। तो एक बार मैंने इनको पलट दिया है, और धीरे धीरे इनका जो कलर है ना वो कैसे हल्का हल्का गोल्डन आ रहा है एक साइड से, और पलटते जाएंगे। तो सिम पे हम मतलब लो फ्लेम पे 3-4 मिनट एक लॉट के लिए हमें लगेंगे। और इधर हो रहे हमारे कोफ्ते तैयार साइड बाय साइड इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए बहुत बार मैंने ये ग्रेवी शेयर कर रखी है, तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तेल में, सरसों का तेल लिया मैंने इसमें, आप चाहें कोई भी लें। तो उस सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्याज, लहसुन और अदरक, तो मैंने इकट्ठा डाल दिया, क्योंकि बाद में मुझे क्या करना है सबको ग्राइंड करना ये वाली ग्रेवी। अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, मैंने 3 टमाटर बड़े से लिए हैं, इनको अच्छे से पकाएंगे, और बहुत ज़्यादा
तीन चार मिनट के लिए ढक के पका रही हूँ मैं इनको, अच्छे से गल जाएंगे फिर हम इनको मिक्सर को करेंगे ग्राइंड। और इधर काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है हमारे कोफ्ते को। और अब अगली है टर्न हमारी दूसरे लॉट की। अब मैं ग्रेवी जो है ना वो निकाल ली है इसमें से, मतलब वो मसाला, और इसी तेल में जो था हमारा उसमें मैं ज़रा सी मेथी और जो हमारी चॉप्ड वेजिटेबल्स थी ये ग्रेवी में आएंगी थोड़ी थोड़ी, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। बस एक मिनट चलाऊंगी फिर मैं इसमें जो अपनी ग्रेवी है वो डाल दूंगी। अभी जस्ट मैंने वो निकाल ली है, टमाटर वगैरह सारे पक गए थे तो निकाल ली है। और दो मिनट इसको चलाएंगे, ये तो जल्दी से हो जाएगी। तो बस और यहीं पे डाल रही हूँ मैं धनिया भी, और साथ ही डाल दूँगी थोड़ी हल्दी ज़रा सा, और इसी मसाले में जाएगी हमारी ग्रेवी। और जो चॉपर में था उसको भी मैंने धो के डाल दिया है, और अब इसको फिर हम दो तीन मिनट पका लेंगे अभी। और फ्रेंड्स अब देखो ग्रेवी को ना मैंने इस बार ग्राइंड नहीं किया, मतलब इसमें ग्राइंडर में नहीं डाला है, मिक्सर में नहीं, मतलब मैंने इसमें इसको भी चॉप किया है ताकि थोड़ा थोड़ा सा रॉ इसमें भी आता रहे और बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाए। तो वेजिटेबल कोफ्ता पे जब ये डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा और भी टेस्ट बनेगा उसका। इस स्टेज पे इस पे दो चम्मच मैं डालूँगी दही के और रिच बनाएंगे इसको। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ क्रीम भी डालिए या मलाई डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज होगा और दही यूज़ करूँगी। ये दो चम्मच, दो जरा सा और डाल दूँगी, हो गए दो चम्मच हमारे ग्रेवी में। कलर भी आएगा थोड़ा सा और बढ़िया से टेक्सचर, सुंदर सा कलर, ब्यूटीफुल सी ग्रेवी हमारी हो गई तैयार। और अब लास्ट इसमें थोड़ा और टेस्ट बनाने के लिए डालूंगी मैं किचन किंग मसाला अपना, जो वेजिटेबल्स के लिए होता है। ये है किचन किंग मसाला, मतलब मैं ना जब डिब्बे में उसको डालती हूँ तो साथ ही उसका छोटा सा एक नाम का पेज भी डाल देती हूँ जो उसके कार्टन पे होता है, क्योंकि ये सारे मसाले एक जैसे होते हैं, पाव भाजी सांभर ये वाले सारे, तो इसलिए पहचान रहती है, बच्चों को भी पता रहता है, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा इसको। और इसका एक और फ़ायदा ना, इसी यही स्पून का भी काम कर जाता है ऐसे। अब ये गया इसमें, बस बन गई हमारी ग्रेवी। तो अब आ गई कोफ्ते को, हस्बैंड की सब्ज़ी पैक कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले डाले तीन कोफ्ते टिफ़िन में और ऊपर से डालनी है ग्रेवी। कोफ्ते को बिल्कुल हम हीट नहीं लगवाएंगे, हम बस इसको कढ़ाई में नहीं डालेंगे और ये ऊपर से जाएगी इसमें ग्रेवी। तो बस जितनी देर में टिफ़िन पहुंचेगा उसमें हम ग्रेवी को अच्छे से सिमर कर लेंगे कोफ्ते अपने बीच। और हमारी हो गई है सब्ज़ी प्रिपेयर, और तैयार है बच्चों की थाली भी, और चपाती सब्ज़ी और दही दोपहर का उनका लंच। प्रेफर करते हैं वो दोनों इकट्ठे ही एक ही थाली में खाने के लिए, तो मैंने एक ही थाली में डाल दिया उनको। होप आप सबको हमारी ये प्रेपरेशन पसंद आई, आप भी ज़रूर ट्राई करिए सिंपल सी सब्ज़ी। और रात को बनाई है हमने, बनाया है हमने गाजर का हलवा। तो आधा प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, मतलब मैंने इसको शूट नहीं कर पाई हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी थी लो और उसको लगाया चार्जिंग पे, तो बाकी तो मुझे कोई देता नहीं अपना फ़ोन कि भाई आपका अपना फ़ोन यूज़ करो शूटिंग के लिए। तो इसलिए इसको मैंने गाजर को, 2 किलो गाजर थी, और ये आपको कुकर दिख रहा है ना, तो मतलब कढ़ाई जो थी वो लोहे वाली वो बिजी थी तेल से, जो कोफ्ते उसमें तल रखे थे दिन के, तो मैंने कहा चलो इसको जल्दी काम फिनिश करो। और कुकर में ही इसको मैंने ना बिना लिड लगाए, ढक्कन नहीं लगाया है, लेकिन उसका हैवी पार्ट सिर्फ हैवी उसकी बॉडी यूज़ की है। तो अच्छे से इसको मैंने दूध में पका लिया है, और अब ऊपर से डाला है मिल्कमेड। तो मिल्कमेड से क्या होगा, और टेस्टी बनेगा और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और बच्चों को ये नहीं होता कि बीच में ड्राई फ्रूट डालो, कुछ नहीं चाहिए उनको, इवन कि किशमिश भी नहीं डाली है इस बार, क्योंकि उनको लगता है जब बीच में, वो कहते हैं कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं खाते खाते, जब बीच में जो आ जाता है ना किशमिश का कोई पार्ट या फिर काजू का कोई पार्ट बादाम का। तो फिर सिंपल बनाया है और मिल्कमेड डाल करके फिर इसको हमने चला लिया है थोड़ी देर। तो दूध को अच्छे से पहले मैंने उसमें काढ़ा है, जैसे पहले तो अच्छे से उसको पका लिया गाजर को ही, फिर दूध को अच्छे से काढ़ा है बीच में, जब सारा सूख गया उसके बाद ऊपर से मिल्क में डाला है। तो सब बनाते होंगे, सब खाते होंगे, आप भी खाते हैं मुझे पता है।
गाजर का हलवा सर्दी में सबको बनता है। होप हमारी रेसिपीज़ आज की अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग।